जनाबे अली हाथ उपर हान कुम लाओ कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। जेड़ा बंदा हजरत अली को बिला फसल खलीफा नहीं मानता कुरान की कसम अगर धमाका असं करना नहीं चाहते क्योंकि असं इंतहाई मुतमैन कि हजरत अली की वलायत में नबी पाक ने सारे जान से मुसलत ही नहीं किया। तुहाडा की ख्याल है नबी पाक ने वलायत अली ठौंसी है? मेरे को नजर नौकत साहब मैलसी साहब इतने सुल्तानी साहब मुहक्किक बंदे खान साहब बैठे ने शाह जी बैठे ने मैं मिंबर ते आना छड़ देंगा मैं बहुत लेट आया लेट तो मुराद है कि खिताबत बड़ा लेट आया मैं जिन्हां दी स्टेज सेक्रेटरी करता रहा अजो मौलवी बिल्कुल ठीक ठाक जी मेरा इना तजर्बा नहीं मैं कोई होर काम कर लाँगा मैंबर दस्त खलोता नासर आबाद साहब का जलसा है बाई बावी 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 आते सर तुम बावी आते हो बाई ठीक है जनाब बावी अप्रैल आओ वीडियो सामने मैं मैंबर ते आना छड़ देंगा उस मौलवी दे घर ते कम करके गुजारा करांगा उहदे हत्ते बैठ करांगा जेड़ा मौलवी साबित करे पे पूरी कायनात में नबी फरमाया कि तुसी जरूर अली नू मौला मन्नो अगे टेंशन थोड़ी है जे मैं तुहाडी टेंशन मुका देण लगा तुसी आंदे फलाने बंदे की कबर लाइब्रेरी च बनी है ते अली नू वलीउल्लाह नहीं पढ़ता फलाना बंदा रहिंदा मस्जिद दे विच ते अली नू वलीउल्लाह नहीं पढ़ता फलाना उह सारे जहान नू नबी मनवाया ही नहीं तुसी टेंशन क्यों लै गए हो गैस की टेंशन थोड़ी दे बिल की टेंशन थोड़ी जे लोड शेडिंग की टेंशन एक का भी टेंशन तुसाई दिल्ली ऐसी हो कुछ टेंशन अपनी मकाओ सारे जान नू नबी आखे ही नहीं अली नू मौला मनो हाथ मेरे मौला दा बुलंद किया है ते नबी शर्त लाई है कि हर लुंडी पुची दा है मौला नहीं मन कौन तो मौला जिसका मैं मौला हूं तो मौला हो फहाजा जिसका मैं मौला हूं मैं पहले मैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला एदा मतलब है अली नू मौला मनन तो पहले मुस्तफा नू मौला मनना शर्त है। मैं थोड़ी टेंशन मुकाना इधर वाले बंदे तो पैदा नहीं बैठे अच्छा ठीक तो जो रखना नबी पाक ने की फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला एदा मतलब है जेड़ा नबी नू मौला मनेगा वो हजरत अली नू मौला मनेगा तुहानू टेंशन का दी जेड़ा बंदा वुज़ू ही नहीं पिया करदा नमाज कड़े वेले पढ़े वुज़ू करेगा तो नमाज पढ़ेगा अगला वुज़ू का पानी उत्ते नहीं पैन देंदा उहदे मगर चढ़े नमाज नहीं पढ़ता वुज़ू तो कर लैंदे उस जिहड़ा बंदा हजरत अली नू मौला मनदा है पहले शर्त है मुहम्मद नू मौला मन्ने बंदे साडी दलील का जवाब देण क्या दुनिया ने शिया तो अलावा किन्ने बंदे ने जिन्हां ने मुहम्मद नू मौला मन्ने की असा मन्ने असा मन्ने मुहम्मद नू मौला सर उठाओ मौला किन्नू आंदे मेरा नबी आदम का भी मौला ठीक है ईसा का भी मौला शबे असरा नबी सारे कट्ठे सन सारे नमाज पढ़ा सकते सन कोई भी पढ़ा सकता सी कम अज कम वह तो सारे पढ़ा ही सकता सी जिस पुत्र दे के इमामत ली बोलो बोलो हजरत इब्राहिम ने बेटा दिता है ना बेटा रखे तो इमामत मिली है ना निजायद पर इन्ना सही मामा जिस पुत्र दे के इमामत ली सी वह तो नमाज पढ़ा सकता सी कुरान की कसम वह भी विच सी नबी मुंतजर सन भी इन नबिया नमाज क्यों पढ़ा कौन पढ़ाए इन्नी देर में सरकार मुस्तफा अल्लाह ने बुलाया नबी सामने आए हर नबी पिछे खलो गया इन आंदे नहीं मौला तवज्जो नहीं फरमाई इनू की आंदे ने इनू की आंदे ने मौला किनू आंदे ने जिहड़ा नबिया दे अगे होए मौला उनू आंदे ने
जिदे अगे नबी कोई ना खलोए मौला ओनू आंदे ने मन नबी नू मौला मन नबी नू मौला जे मनना नबी नू मौला ते मन के मौला है मेरा नबी ते मौला ओनू आंदे ने जिदे अगे ना हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलोण ना हजरत यूनुस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलोण ना हजरत इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलोण की जे रज़ी अल्लाह नहीं मगर खलोते ने नबी दे रज़ी अल्लाह नहीं ए अलैहि सलाम ने जा खेड़ जाके की नबी नु मौला मने जिदे अगे अलैहि सलाम नहीं खलोंदे रज़ी अल्लाह ओदे अगे कैसे खलो जाए पूरी दुनिया च वाहद शिया कौम है जिस मुहम्मद नू बाबा जी बहुत शुक्रिया जिथे बाबा जी पहुंचे ने अजे मेरा मजमा पीछे असा सरकारे रिसालत नू मुहम्मद मने मन वही मौलवी मुहम्मद नू मुहम्मद मैं तेनु हसन दा हुसन नहीं मनांदा मैं तेनु अली दी बुलंदी नहीं मनांदा मैं तेनु बाकर दा इलम नहीं मनांदा मैं तेनु जाफर दी सदाकत नहीं मनांदा तू मन मुहम्मद नू मुहम्मद मन मुहम्मद मुहम्मद है आखिर के मन देते हैं कदों मन ने मुहम्मद ओनू आंदे जिद च ऐब ना हो सर उठाओ मेरे को नहीं मैं तर्जमा कर देना की तर्जमा सुना जे मुहम्मद जिसकी तारीफ की जाए जिसकी तारीफ की जाए ये मुकम्मल तर्जमा नहीं तारीफ तो मेरी भी पे कर दे बोलो बोलो मैं तारीफ कर रहा सारे अपने आसीरा ये सारे मुहम्मद हो गए मैं मुहम्मद हो गया मुहम्मद का असल मन है जिसकी बात तारीफी ना हो सके किसे सुनिया होगा तो उतना मरेगा जिसकी बद तारीफी ना हो सके बद तारीफी उदो होती है जो ऐब विच आवे मैं तुहाडे सामने मजलिस पढ़ रहे हो तुसी सारे तारीफ कर रहे हो कोई अखा नाल कोई जुबान ना तारीफ कर रहे हो आ मेरे को रुमाल है रखिया मैं मुंह पूजन वास्ते ये रुमाल इत्थे प्यार वे जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह मैनू प्यार आंदा मेरे लो वेखो मैनू पसीना इत्थे आवे ते मैं अज पूछना फिर वेखो मेरे लो पसीना आया तो मैं इहदे नाल नहीं पूछिया इहदे नाल पूछ मैं शाह जी मैं तुसी फिकी एतबार नाल बाबा जी को पूछो ये अंज करके बंदा करे तो शरीयत ते जिहदी कोई सलाह है नहीं कमीज मेरी अपनी है मैं कह रहा किसी की कमीज ना पहुंची अपनी मेरी कमीज है मैं ही धोनी है मेरी अपना बाजू है उत्ते मेरी कमीज है यदि शरीयत सजा कोई नहीं फिका सजा कोई नहीं ये जुर्म नहीं ये जुल्म नहीं ये बहुत बड़ा ऐब नहीं भाई शरीयत सजा हो मैं कर बैठा अंज पहुँच बैठा वो जरा तारीफ पिया करता सी तारीफ मेरी उस बाहर निकल के नाल के बंदे आखना जापता तो वाह वाह मैं क्यों आखा उर्दू च आखा लगता तो ठीक था दिसदा तो सोना हा उनकी हरकत थी नहीं एदा मतलब है इन्नी की हरकत भी लूज होवे तो मुहम्मद नहीं बन ही हो ना सके बद तारीफी उदो हुंदी है जे
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਕਰ ਪੰਜ ਕਸੀਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜ ਲਵੇ ਸਮਝਣਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣਾ ਫੌਕ ਦਾ ਸੁਣਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਫੌਕ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਮਝਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪੜ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਫੌਕ ਦਾ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੋਜਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੜਿਆ ਸੋਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਕਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਅਰੇ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਨਬੀ ਦੀ ਇਸਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇ ਰਸੂਲ ਫਕਤ ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਇਤਾਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸਮਤ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕੀ ਇਤਾਅਤ ਅੱਲਾ ਕੀ ਇਤਾਅਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਛੜੇ ਉਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾ 5 ਵਜੇ ਮਾਸਟਰ ਆਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਵਾਕ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੋਂ ਵੇਖੇ ਅੱਬਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਵੇਖੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਹ ਦਾਦ ਹੀ ਜਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਤੋਜ ਰੱਖੋ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ 100 ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜਾਏ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਫੜਾਏ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਮਸਵਾਕ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਹੀ ਟੀਚਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੌਫਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਤਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਤਾਤ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਤਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਆਲ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਇਤਾਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਠਾਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡੱਕ ਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੱਕੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ
मैं साढ़े इलाके च ना पिछले टाइम बच्चों मास्ट अपने प्यो आते हैं डंगर खोल लै डंगर खोलन तो मुराद है कि डंगर चार लिया मवेशी बाहर लै जा तो चार लिया काश डंगर खोल लै मैं क्या अब्बा आखे ना पुत्र डंगर खोल लै अल्लाह फरमांदा इताअत कर तेरा बाप है तेन पा डंगर खोल लै जे वो ही अब्बा आखे किसी दे खोल लै फिर भी इताअत वाजिब है नहीं ना नहीं ना हूँ की गल है अब्बा भी हो अम्मा भी हो मुंडा भी हो अब्बा प्यादा प्यो तो डंगर खोल लिया अल्लाह फरमाता हूँ ना मनी ना मनी ना मनी सर उठाओ ना मनी अब्बा वो नहीं जी अब्बा हो अल्लाह फरमाता अब्बा हो गल ठीक नहीं कर रहा गल ठीक नहीं कर रहा यह मतलब साढ़े अपे कभी गल ठीक करते नहीं किसी वे गलत भी करते हैं बतूल का बाबा जो करता है ठीक मैं दलील देख इजाजत लेने लगा भाई जी मुकम्मल हो गया मेरी हाजरी होगी दलील देख मुकम्मल कर रहे नबी की दात हर वे वाजिब इस वास्तव में नबी हर वे ठीक करता है नबी जो आंदा ठीक जिस वक्त आंदा ठीक मासूम की दात हर वे वाजिब है जड़ा कदी ठीक आखे कदी ठीक ना आखे वो मासूम नहीं जड़ा हर वेले ठीक आखे उनु मासूम आंदे ने चूंके शिया मुहम्मद नु मासूम मन गए ने इस वास्ते ओदे मिंबर ते किसे गैर मासूम नु बर्दाश्त नहीं करते दलील नु मुकम करन वास्ते आज पढ़ रहे हैं दलील नु मुकम करने वास्ते आयत पढ़ रहे हैं पढ़ा जी सूरह मुबारक यूनुस 35 नंबर आयत मजीद खालिक फरमांदा है अफमन यहदी इलल हक अहक अन युतबा अमन ला यहदी इल्ला अन युहदा मेरे हबीब के बंदों से ये तो पूछ क्या वो बंदे भी इताअत के काबिल हैं जो खुद पहले हदायत पर नहीं थे मेरा ख्याल तर्जमा तो मेरे से मुकम्मल हो जानी चाहिए थी तुम्हें क्या हो गई अंदाज बड़ा खूबसूरत फमालत हो तुम्हें क्या हो गया कैफा तहकुम तुम कैसे फैसले करते हो उनको तस्लीम कर लेते हो जो खुद पहले हदायत पर नहीं थे आखिरी गल करो मिसाल देख कड़ाके कभी कटे जी कटे जी मैं कटदा हूं निका हूं अजे भी कड़ना मेरी वालदा आख्या कड़ाके ना कटे कर यह उंगला कमजोर हो जाए मैं कोई ना बाज आया अम्मा आख्या पुस पै जाता है मैं कोई ना बाज आया दादा मेरा बड़ा सख्त सी उस आख्या शाम तेरे दादे ने दसा मैं क्या दादे ना दसी उस आख्या दसागी जितों कोई फटिया जाए फट लेना चाहिए ना अम्मा साहब लाए दादे तो डर गया पंजवीं मैं पढ़ दसा उस आख्या तेरे दादे ने दसा सारा दिन मेरे सह सुके रह पे दादा खोरे की गत गर्म बड़ा सी खुश्क बड़ा सी पांच छे सत टाइम का नमाजी सी तौबा हासा वो मूँह तो मैं जिंदगी वेखे तौबा इन्ना सख्त दादा तुम तो की दस मैं डर डर के सारा दिन मर गया बाबा जी कि शाम दादा हूँ खुर की करेगा रात रोटी खा के बैठे गर्मी सी अम्मा को मैं बैठा मैं कोल बह के गोडा मैं क्या ना ना दसी वो आखिर के ना तू बाज आ नहीं चाचा जी चाचा आँदी सी मेरी वालदा मेरे दादे सगा चाचा जी आ मुंडा कड़ाके कड़ता जी इनू डको मैं हम संभल के बह गया छोटा खुर किधर आ बाबे ही फरमान लगे ओ भाई निका हों मम्मी कटदा हों सगा नहीं फरमा मेरी अम्मा एक गल की जे तो मुल्तान की सरैकिया समझ आ गई तो फिर मेरे मुकम्मल है मेरी वालदा कहन लगी यह मतलब है तंद नहीं बिगड़ी मेरा ख्याल है गल समझ आ गई सारे जमात चो ही बाबे को समझ गया सा जिहड़ा आप बेऐब ना रहा होवे किसी नूं डाके नहीं सकता।
रब्बे काबा दी कसम है, जिन्हें आप निक्या होंदिया भी ऐब किया हो कोई, वह वड्डा होकर डकन लग्या झकदा है, झकदा है। मैं इनू की आखा, मैं समझना बाबे की बड़ी मुनसफ बेजाजी, जिस गल लुकई नहीं अपना मासी सार कर छड़े, जिदा मासी बेऐब ना हो। मेरे हाथ च कुरान है, उन सके पुत्र उठ के आते हैं मैनू कोड़े हो मारे जे साफ कदे शराब ना पी। क्या बात है, तुहाडी सुनन दी क्या बात है। मैं पीरां दे उर्स ते गया, बंदे बैठे सन बोर्ड थले छावें चरस पा पीते। मैं एक बंदे नूं आख्या छावें बहिए जाके, उस आख्या मैं नहीं जाना उत्थे, बंदे चरस पींदे। तो मैं क्या पींदे रहना, असीं ते नहीं ना पींदे, मौलवी तू लगा जा, मैं नहीं जाना, मैं पानी पानी हो गया, बेटा मुतकी बंदा, मैं आख्या दोबारा क्यों, मैं क्या वैसे तुसी क्यों नहीं जाते उठे। कह लगा मैं परसों नहीं छड़ दी, मैं क्या हैं जी, मैं परसों नहीं छड़ दी। मैं होशियार हो गया, मैं क्या मरे, मैं तो सिगरट भी नहीं पीना, चरस दुध ना तेना खानी यार, सिगरट च पा के पीनी, मैं सिगरट ही नहीं पीता, तो तू परसों छड़ी। मैं क्या एक गल का स्वाद आ गया, जे परसों की छड़ी है तो पिछों छड़ी है, कणका पिछों छड़ी, तो मैं जो छड़ दी है तो फिर तो स्वाद बहुत है, उत्थे बहने पै पी सानू की, क्योंकि मैं कभी पीती नहीं तो तू छी। वो कह लगा मैं तुम सची दसा, मैं उत्थे बहिंदा इस वास्ते नहीं भी जे उन्हें वारी लाई उधरों हवा आई मेरे अगों की धूं लंघिया, वो जे मैनू स्मैल आई ना, मैं सोचना मते मेरा फिर दिल ना करा भी उन्हें इमाम मन जिन्हों का कभी भी दिल ना किया। जिन्हें 36 साल शराब पीती हो, जिन्हें 36 साल शराब च गुजरे हो, खुदा की कसम बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो वह भी आके मशवरा दिता, दो त्रै घुट पीए आराम आ जाए, वह इनू ऐब नहीं समझता क्योंकि आप कर चुका होता। असा उन्होंने अपना इमाम मनिया, मेरे को दलील है आ कुरान है, जिथों मैं खोलिया दसो इतों पा के इतों 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 सोच के दसो, इधरों इधरों इतों हूँ जिथों फोलिए सर उठा, जिथों फोलिए उथों पा के सोच, इनू जिथों फोलिए उथों पा के, ये जिदे मुंह चो निकल निकल के कुरान बने ओदी जिंदगी जिथों फोलिए पाक नहीं होवे। पागल असी कोई नहीं, मेरी दलील का जवाब लाया कयामत तक, असा नबी दी जिंदगी जिथों फोलिए आयतां भी पाक ने, ये लफ्ज भी पाक ने, ये हरफ भी पाक ने, एडिया वड्डिया आयतां भी पाक ने, एडिया छोटिया आयतां भी पाक ने, ये वड्डे रकू भी पाक ने, ये छोटे सदके जावा छोटे रकू भी पाक ने, इन्हू जिथों फोलेगा उतों पाक है। अलिफ लाम मीम की अलिफ वखरी पाक है, लाम वखरी पाक है, मीम वखरी पाक है। मेरे पीर अली दावा कीता अना कुरानो नातिक, मैं बोलने वाला कुरान हूँ। हूँ मौलवी साहब पढ़ रहे सर कुरान दियाँ आयतों को अग लगी है, पूरी दुनिया के मौलवी कालिया पट्टिया बन के बाहर आ गए, आंदे ने बड़ी बेहुरमती हुई है कुरान की, बड़ी बेहुरमती हुई है कुरान दियाँ आयतों को अग लगे तो तकलीफ होंगी है ना तकलीफ। आज इस कुरान दियाँ आयतों 10 मुहर्रम की डीगर अग लगी, कभी मुसलमान
मुसलमाना सोचिए आज तक कि परेशान हो मेरे हाथ च कुरान है कि आयत ना आयत ततहीर है किसी आयत ना आयत गतीर है किसी आयत ना आयत वजू है किसी आयत ना आयत सलात है जी दस मुहर्रम मुसलमान परेशान की किसी आयत ना कुबरा है किसी आयत का ना रुकैया किसी आयत का ना सकीना है परेशान बड़िया हुई एक रवायत पढ़ के जा सकता।